नियमितीकरण की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक आंदोलन पर हैं। वहीं प्रदेश सरकार को घेरते हुए ज्वलंत मुद्दों पर राज्य उच्च शिक्षा कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार से बात की। बता दें कि मंत्री अल्प प्रवास पर कटनी पहुंचे। इसी बीच जब उनसे अतिथि शिक्षकों की मांगों को लेकर बात की गई तो उन्होंने नपातुला जवाब दिया, जिससे शिक्षकों की मनसा पर एक बार फिर पानी फिर गया। वहीं कटनी जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज में लंबे समय से कैंपस प्लेसमेंट भी नहीं हुए हैं, जिससे बच्चे बेरोजगारी की मार खा रहे हैं। प्लेसमेंट को लेकर भी मंत्री ने कोई आश्वासन नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाहे स्कूल शिक्षा विभाग हो चाहे उच्च शिक्षा हो, लगातार भर्तियों का क्रम चल रहा है और निरंतर आगे और चलेगा। अब फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे ने 1,00,000 भर्तियों को करने का निर्णय किया, उसमें भी जितने शिक्षक करना उतने हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे। लेकिन लगातार प्रक्रिया चल रही है, परीक्षा हो रही है, इंटरव्यू हो रहे हैं और नियुक्तियाँ जारी है। फिर जो शिक्षकों के लिए एक प्रक्रिया अपनाई गई उस हिसाब से हम रेगुलर हो रहे हैं, निरंतर हो रहे हैं, उनको 25% का आरक्षण दे करके उसमें उनको भर्ती प्रक्रिया में लाभ दिया जाए।